प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब देखिए, ये चल रही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब जिन स्टूडेंट्स को मॉडर्न ऑप्टिक्स भी साथ में पढ़नी है, तो हमने पढ़ा भी रखी है वो ऑलरेडी, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स के नाम से। आप जाओ चाहो तो जाकर देख सकते हो। आज हम एक बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तो चल ही नहीं रहा, क्या हो गया बेटा आपको? चल जाओ, नहीं बुरा मान गया ये मार्कर। ये मार्कर इसलिए बुरा मान गया क्योंकि आप इसकी वीडियो शेयर ही नहीं करते, तो इसने सोचा मैं आऊंगा ही नहीं इनके सामने, मैं सुसाइड कर लूंगा। ठीक है, चलो आओ। जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ 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 ए यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक वर्ड बना है किससे? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रिक वर्ड किससे बना है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक चार्ज होता है। और डाई का मतलब क्या होता है? दो। और पोल का मतलब होता है कोने सिरे, यानी के खंबे की तरीके से। पोल खंबा ही नहीं होता, उस पर दो कोने नहीं होते, यानी के जब आवेश को दो कोनों पर रख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी इत्तु सी एक सिचुएशन है, क्या? वहन टू इक्वल, टू इक्वल बराबर होने चाहिए चार्ज, बट अपोजिट। सर इक्वल बट अपोजिट ये कैसे पॉसिबल है? अरे यार, इक्वल बट अपोजिट मतलब जैसे 10 कूलाम का था दूसरा -10 कूलाम का। देखो इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है, एक प्लस में और एक माइनस में। वहन टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड, रख दिए जाते हैं एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं। देन देन दिस सिस्टम इज नोन एज, नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाता है ये सिस्टम ही? ये सिस्टम ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ना है। ठीक, वैन टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। लेट अस कंसिडर वी हैव, लेट अस कंसिडर वी हैव टू चार्जेस। हमारे पास दो चार्जेस हैं जो इक्वल है बट अपोजिट है, तो कैसे हो गए? प्लस माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। मतलब मान लो एक चार्ज ये रखा प्लस क्यू और एक चार्ज ये रखा माइनस क्यू, ये 2a ही डिस्टेंस क्यों ली? वो रीजन बता रहा हूं 2a डिस्टेंस क्यों आई। ये आपके चार्जेस हैं, ये रे ठीक, बीच में ओरिजिन होगा जब भी तो प्लस माइनस होंगे। अरे जब भी तो प्लस माइनस होंगे, लो आप कंफ्यूजन से बचने को इधर माइनस ले लो, इधर प्लस ले लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया कौन सा किधर रखा है। हमने माइनस इधर रख लिया, बीच में क्या होगा? कहीं ओरिजिन होगा। ठीक, तो ओरिजिन से ए इधर होगी डिस्टेंस और ए इधर होगी, तो टोटल डिस्टेंस इस वजह से 2a ले जाती है। तो ये सारा सिस्टम ही क्या कहलाएगा आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहन टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट फिक्स डिस्टेंस। तो जब ये फिक्स डिस्टेंस पर रख दिए तो इसे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे एक नई टर्म निकल के आ जाती है जिसे आप बोलते हो डाइपोल मोमेंट। क्या होती है डाइपोल मोमेंट? वो किसके बराबर होती है? उसे पी से तो रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो किसके बराबर होती है? दोनों में से कोई सा एक चार्ज, दोनों में से कोई सा एक चार्ज। लो वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं
उसकी इनके बीच की डिस्टेंस के साथ प्रोडक्ट के बराबर होती है। सर ये हमारी समझ में नहीं आई तो अभी समझा देता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इस चीज की वापस से जरूरत है तो मैं इस हिस्से को रफ नहीं करूंगा, मैं बस ऊपर का हिस्सा क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल मोमेंट, अरे जिसे हिंदी में क्या बोलते थे, द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। अब जो है ये है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे आप बोलते हो डाइपोल, डाइपोल मूमेंट। क्या? डाइपोल मूमेंट। ठीक, तो डाइपोल मूमेंट क्या होता है? इट इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है? प्रोडक्ट के। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ किस किस के? आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड, कोई सा भी एक का मैग्नीट्यूड लेना है। अरे मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको प्लस या माइनस क्यों नहीं लेना, इनका मैग्नीट्यूड लेना है, इसका भी क्यों आएगा, इसका भी क्यों आएगा, तो इस वजह से मैंने यहां पर क्यों लिखा, कभी माइनस क्यों ले लो। क्या? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज विद विद डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड, लिख लो या रिप्रेजेंटेड लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। हो गया। अब हमने क्या लिखा? एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, तो डाइपोल मोमेंट पी किसके बराबर होगा? आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट लेनी है मैग्नीट्यूड की, किसकी? दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यों आएगा और इसका भी मैग्नीट्यूड क्यों आएगा, ऑफ ईच चार्ज विद डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पेलिंग सही लिख देता हूं, विद डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच अलग करने वाली दूरी के, अलग करने वाली दूरी कितनी है? 2a। तो दोनों में से कोई सा एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a। इन दोनों की गुना ही क्या कहलाती है? डाइपोल मोमेंट। बेसिक सी चीज, चलिए। इट्स एस आई यूनिटीज, इसका मात्रक बताओ, वीडियो पॉज करो और फटाफट इसका मात्रक बताओ, थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मात्रक कोई भी बता सकता है। चार्ज का क्या होता है? कूलाम। क्या हो गया? कूलाम। और ये क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर, तो ये क्या होगी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी कुछ लाइन होती है, एक तो होती है इसकी एक्सियल लाइन, क्या होती है बच्चा? एक्सियल लाइन, ओके। और एक होती है इक्वाटोरियल लाइन, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ये आपको पता होगी, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई है से हैं, तो आपने एक्सियल लाइन भी पढ़ी होगी और इक्विटोरियल लाइन पढ़ी होगी। यूपी बोर्ड ने पढ़ा होगा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। मान लीजिए मेरे पास चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक, तो एक्सियल लाइन क्या होगी? पास होती है वो, पासिस फ्रॉम बोथ चार्जेस, वो दोनों आवेशों से पास होती है। कुछ टीचर बता देते हैं कि एक्सियल लाइन होती है जो एक्स एक्सिस पे और इक्विटोरियल होती है जो वाई एक्सिस पे, और ना मुन्ना ये गलती नहीं करनी, जो दोनों चार्ज से पास होगी, जैसे ये वाली, ये तो बुरा ही मानो बैठा तुमसे, अभी तक नहीं मान रहे, मान जा, ये कर देंगे वीडियो शेयर है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो दोनों चार्जेस से पास हो, क्या है? एक्सियल लाइन। क्या है? एक्सियल लाइन। अब उसने क्या कहा? ये माइनस क्यों रखा हुआ है और ये प्लस क्यों रखा हुआ है, अब बताना एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन वो होगी जो दोनों चार्जेस से पास होगी। उसने कहा, किसने? मैंने कह दिया, मान लो
ये माइनस क्यों है यहाँ दिख रहा है, हाँ, और ये आपका प्लस क्यों है यहाँ पर, बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर। बताना एक्सियल लाइन कहाँ होगी? एक्सियल लाइन वो होगी जो दोनों चार्जिस से पास होगी, ये होगी। अब जो टीचर बता देते हैं कि एक्सियल लाइन एक्स एक्सिस पे होते हैं, क्या यो एक्स एक्सिस पे, क्या यो एक्स एक्सिस पे, तो एक्सियल लाइन वो होती है जो पास हो किन से, दोनों चार्जिस से। इक्विटोरियल क्या होती है, जो उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपको पेपर में नहीं लिखना, ये मैं तुम्हें याद तरीका बता रहा हूं तैयार करने का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब, अरे ये रखा आपका माइनस क्यों, ये रखा प्लस क्यों, ठीक। तो इसके बीच की एक्सियल लाइन ये है, ये बीच की डिस्टेंस है 2a, तो इसका बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, अरे लंब समद्विभाजक जो दो हिस्सों में बांट दे बिल्कुल लंबवत हो, ये क्या है, इक्विटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन। ऐसी अगर इसकी इक्विटोरियल लाइन खींचेंगे तो ऐसे खींचेगी, इसकी खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगी। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूं आपको डाइपोल समझ में आया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, कर दूं स्क्रीन रफ, इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे डाइपोल मोमेंट की, जब चार्ज क्या रखा हुआ हो, एक्सियल लाइन पे हो, मतलब या जनरल पॉइंट पे हो, मतलब क्या है इसका अभी बताएंगे। सर ये जनरल पॉइंट क्या बोल रहा अभी आपने, देखो हमारे पास ये डाइपोल है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, मैंने एक तीसरा चार्ज लिया यहां बैठा दिया टेस्ट चार्ज, बताओ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बताया था, फोर्स के साथ रेशो उस चार्ज का, ये टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, तो भाई फोर्स ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तो दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे। अगर खाली ये लगाता तो निकल जाता, खाली ये लगाता तो निकल जाता, अब दोनों फोर्स दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे तो रिजल्टेंट बताओ। तो ये एक्सियल लाइन पे है, इसके लिए फॉर्मूला निकाल लेंगे। एग्जामिनर कह देगा ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है, और कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है इसकी इक्विटोरियल लाइन पे, इस पे बताओ, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, तो रिजल्टेंट बताओ, परिणामी क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वो कह देगा जनरल पॉइंट, ये जनरल पॉइंट मास्टर डेरिवेशन है, इसे ध्यान से समझ लेना तो सारा काम बढ़िया हो जाएगा। जनरल पॉइंट मतलब ये माइनस क्यों है और ये प्लस क्यों है, चलिए आपका चार्ज यहां रखा है क्यू नोट, ये तो एक्सियल लाइन होगी, ये इक्विटोरियल लाइन होगी, मतलब ना तो वो एक्सियल पर रखा ना इक्विटोरियल पर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो पॉइंट हालांकि एक्सियल या इक्विटोरियल पर भी हो सकता है, लेकिन हम ये वाला ऐसा केस करेंगे जिसमें ना तो एक्सियल हो ना ही इक्विटोरियल हो, और इससे आप निकाल लोगे एक्सियल भी और इक्विटोरियल भी, इसलिए अगर ये कर लिया तो एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों अपने आप हो जाएंगे, ठीक। अब हम कल करेंगे एक्सियल वाला, क्लास अभी खत्म हुई नहीं, अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, कल की क्लास में हम एक्सियल लाइन वाला करेंगे, परसों की मैं इक्विटोरियल लाइन वाला, उससे नेक्स्ट में हम करेंगे जनरल पॉइंट वाला। तीन क्लास की मैंने वर्किंग आपको बता दी कैसे चलेगी, उसके बाद चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, वो भी एक्सियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन और जनरल पॉइंट पर निकलेगा। सर वैसे आज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कराने के लिए कहा था, मैंने देखा वो आपको पता है, उसमें कोई बताने लायक चीज नहीं थी कि प्लस से बाहर निकलती है माइनस में अंदर आती है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कर्व होती है, यही तो, और माइनस में क्या होती है, अंदर की साइड, ये आपको पता है, तो मुझे लगा नहीं कि ये मुझे बता के कोई टाइम वेस्ट करना चाहिए। अब जब प्लस प्लस पास लाएंगे, ये प्लस है और ये प्लस है, तो इधर की साइड तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो इससे तो ऐसी बाहर जाएंगी, ऐसी ये बाहर जाएंगी, अब जैसे इधर चलेगी ये इधर आएगी, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल, तो ये कैसे होगी, ये ऐसे घूम जाएंगी, समझ गए, ऐसी माइनस की, माइनस में तीर के निशान अंदर को बना दियो, समझ गए।
अब अगर प्लस माइनस एक साथ लाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो प्लस में तो बाहर जाएंगी, और इधर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, माइनस में अंदर जाएंगी, और जैसी प्लस से बाहर जा रही है और माइनस में अंदर, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी और जुड़ के एक क्लोज्ड कर्व बना लेंगी ऐसे, क्योंकि ये कभी भी देखो प्लस से बाहर जा रही है माइनस में अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल के लिए, ये जब एक जैसे चार्ज हो और ये जब अपोजिट चार्ज हो, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल आ रहा था, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पता है, क्या कह रहे हो सर हमें तो सब कुछ पता है, ऐसे क्या आप बिल्कुल नहीं पढ़ाओगे? अरे नलायक को पढ़ा तो रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हो? देखो अब हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का फैलना, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जब आप क्या पढ़ोगे, अभी मैंने बताया एक्सियल लाइन पढ़ोगे, इक्वेटोरियल लाइन पढ़ोगे, उसमें उसकी जरूरत है। आज आपकी छोटी क्लास, आज छोटी क्लासों का अंत है, कल से लंबे लंबे डेरिवेशन चल पड़ेंगे, तो कल से आपकी क्लास भी लंबी लंबी हो जाएगी, लेंथी क्लास हो जाएगी, अभी तो छोटी छोटी क्लास है, आखिरी क्लास आज छोटी, कल एक्सियल लाइन पढ़ोगे खतरनाक, इक्वेटोरियल लाइन करोगे खतरनाक, जनरल पॉइंट सबसे खतरनाक, ठीक। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपने चार्ज दिया तो तीन तरीके से फैल जाता है, तीन तरीके से कैसे, आपने एक पतले से बारीक वायर को दिया, जैसे मेरे सिर का बाल है, तो वो लेंथ पे फैल जाएगा, किस पर, लेंथ पर। आपने किसी किसे दिया, प्लेट को दिया, तो प्लेट में एरिया होता है तो एरिया पर फैल जाएगा, और आपने किसी क्यूब को दिया तो उसमें वॉल्यूम होता है तो चार्ज वॉल्यूम पर फैल जाएगा। तो जब लेंथ की बात करते हैं तो जो चार्ज डेंसिटी होती है, तो यहाँ पर होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर ये लेंथ से लीनियर कैसे बन गया, अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, लाइन, क्या जुड़ा हुआ है, लाइन, लाइन कैसी होती है, बारीक सी लेंथ, ये लाइन ही तो है, तो ये लेंथ ही तो होगी, तो जो लेंथ के अलोंग होगा, इसे रफ कर देते हैं, एरिया के अलोंग जो डेंसिटी होती है घनत्व, उसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर ये तो नाम ही बदल गया, अरे नाम नहीं बदला, सरफेस मतलब सरफेस एरिया, सरफेस मतलब सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बेचारा सीधा है, इसने अपना नाम नहीं बदला, ये सबसे विशाल तो, और तुम्हें पता है विशाल लोग अपने नाम वाम नहीं बदलते, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक। इसे किससे रिप्रेजेंट करते थे, लैम्डा से, इसे सिग्मा से, इसे रो से, ये क्या होता था, चार्ज अपॉन लेंथ, अगर हम छोटी वैल्यू लेंगे तो डी क्यू बाई डी एल लिख दोगे, ये क्या होता था बच्चा मेरे, ये होता था चार्ज अपॉन एरिया, या छोटी वैल्यू लोगे तो डी क्यू बाई डी एस, ये किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, छोटी वैल्यू लोगे तो डी क्यू बाई डी वी। तो यहाँ से हम चीजें समझ गए कि अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन लिखनी बताता हूँ, इफ एल बराबर वन, तो यहाँ से लैमडा किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पे इफ ए बराबर वन, तो आपका सिग्मा किसके बराबर, क्योंकि यही तो है, ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम वन ले लें तो रो किसके बराबर, वी के, तो ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, समझो, अगर एक यूनिट लेंथ पर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वही क्या है आपका, लाइन चार्ज डेंसिटी, एक यूनिट एरिया पर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक यूनिट वॉल्यूम पर, तो इसकी होगी चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक। यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज की क्या होती है, कूलाम इनटू मीटर इनवर्स, अपॉन में मीटर, ऊपर जाके पावर माइनस में, इसकी क्या होती है, चार्ज अपॉन मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके माइनस टू, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसकी कूलाम पर मीटर क्यूब लिख लो, ऊपर जाके या
-3 लिख लूं। अब मुझे इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने जल्दी जल्दी इसमें मैं चाहता बोल के बहुत समय वेस्ट करके इस क्लास को मैं 30-35 मिनट तक खींच सकता था, अब मैंने खींची नहीं, क्योंकि अब हम क्या पढ़ेंगे, हम बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे। आज आपकी छोटी क्लास का अंत होता है, मतलब ये जो 15-20 मिनट की 25 मिनट की जो वीडियो बन रही थी, कल से ये नहीं बनेगी। और क्यों? क्योंकि कल से विशाल टॉपिक चल गया, अभी तक बेसिक चल रहा था, अब कल से आपकी क्लास लेंथी रहने वाली है। हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।